मेरा नाम है अनीश और मैं नीरजा का भाई हूँ नीरजा तो हम वैसे कमी उसको बोलते थे उसका पेट नेम था लाडो घर का नाम बोलते हैं ना हम तो लाडो था उसका नाम तो हम उसको लाडो ही बुलाते थे मेरे ख्याल ज़िंदगी में नीरजा हमने सिर्फ पाँच दस ही बोला होगा उसको तो जो लाडो थी वो एक एयरलाइन थी पैन एम उसमें काम करती थी उसमें वो चीफ ऑर्स थी एयर ऑर्स उनकी चीफ तो बड़ी पुरानी बात है हुआ क्या कि नाइनटीन की बात है कि वो प्लेन में थी जो प्लेन जा रहा था बॉम्बे टू न्यूयॉर्क और ये जा रहा था कराची और फ्रैंकफर्ट से होकर तो सुबह सुबह जब कराची में प्लान लैंड प्लेन लैंड किया सुबह मेरे ख्याल पाँच बजे का टाइम था तो उधर चार आतंकवादी वेट कर रहे थे टेररिस्ट थे वो वेट कर रहे थे प्लेन के आने के तो जैसे प्लेन लैंड हुआ पार्क हुआ तो जो कराची में उतरने वाले पैसेंजर उतर गए थे कुछ पैसेंजर चढ़ चुके थे कुछ अभी चढ़ने थे कि ये आतंकवादी आए और ना ज़्यादा दूध चलाते हुए सीढ़ी के ऊपर चढ़ गए मीरजा उसे एक हफ्ते पहले एंटी हजक ट्रेनिंग करके आई थी लंदन से तो उसमें उनको सिखाया गया था कि अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाए कोई इमरजेंसी हो जाए तो आपने पहले पायलट को इन्फॉर्म करना है तो जब ये लोग भाग के ऊपर आ रहे थे तो नीरजा ने इंटरकॉम पर एक मैसेज कोडेड मैसेज था वो पास ऑन कर दिया कॉकपिट में कि कोई प्रॉब्लम है तो इन्होंने क्या किया जो पायलट को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर इन्होंने ऊपर कॉकपिट में एक हैच होता है उन्होंने हैच खोला और उसे छलांग मार के एयरक्राफ्ट से भाग गए वहाँ से इन सबको छोड़ के कोई 400 लोग थे प्लेन के ऊपर वो छोड़ के भाग गए जब भी आतंकवादियों को देखा कि पायलट तो है नहीं बहुत गुस्सा चढ़ा इनको तो आए नीचे किस्मत की बात एक पैसेंजर जो उसने सोचा कि तब पंजाब में काफ़ी प्रॉब्लम थी तो उसने सोचा शायद उसके उसकी, उसकी प्रॉब्लम है ये इंडियंस है जो उसको जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो उसने पासपोर्ट निकाल के बोला मैं तो अमेरिकन हूँ ये जो हाईजैकर थे जो टेररिस्ट थे ये आए थे बेसिकली अमेरिकन को ही मारने ये एक कंट्री है लीबिया उसके उसने सपोर्ट किया था अदगदाफी ने सपोर्ट किया था इनको और ये अमेरिकन के पीछे थे तो इन्होंने इसने जब बोला कि मैं तो अमेरिकन हूँ उन्होंने उसका पकड़ा इसको गेट के ऊपर लेके गए जो एयर एयरक्राफ्ट का गेट था उसको नील कराया बंदूक रखी ठाट गोली मारी और उसको टारबैग पर फेंक दिया बेचारा मर गया पर इसमें क्या जो एयरस को पता चल गया कि ये अमेरिकल के पीछे है तो एंटी एंटी हैजेक ट्रेनिंग में एक भी चीज़ और सिखाई जाती है कि जिस जो लगा आपको जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा जिनको डेंजर है उनको आपने पहले बचाना है तो जो लीड हैजा था साफरी साफरानी था उसका नाम उसने लाडो को बोला कि सब पैसेंजर्स के पासपोर्ट कलेक्ट करके लाओ क्योंकि चार लोग थे उसके अंदर वो बेसिकली चाहते थे कि उनके उनसे पता चल जाए कि अमेरिकन कौन है इसमें तो लाडो ने जो बाकी जो एयर ऑफिस उनको बोला कि जब आप पासपोर्ट कलेक्ट करोगे तो जो अमेरिकन पासपोर्ट दिखे उसको लेना नहीं उसको बोलना है तो सीट के अंदर घुसाड़ दे या फिर नीचे फेंक दे लेके नहीं आना उसको सो तो जब वो ढेर सारे पासपोर्ट वापस आए तो उनमें एक भी अमेरिकन पासपोर्ट नहीं हालांकि 41 पैसेंजर्स अमेरिकन पैसेंजर्स प्लेन पे थे तो तब हाईजैक ने क्या किया एक ब्रिटिश पासपोर्ट थारों को बोला तुम आ जाओ भाई उसको बिठा दिया लेकिन मारा मारा नहीं उसको अल्टीमेटली हाईजैक पूरा दिन चलता रहा किस्मत की बात शाम का टाइम हो गया बाहर रात में रात पढ़नी शुरू गई हो गई और अंदर क्या हुआ कि पायलट इंजन तो ऑन करके भागा था तो जो ऑयल वो ख़त्म होना शुरू हो गया तो पहले एयर कंडीशनिंग बंद हुई स्टफ़ी हो गया अंदर फिर लाइट्स फ्लिकर करनी शुरू हो गई तो ये हाइजैक कर रहे हैं इन्होंने शायद सोचा कि कमांडो अटैक होने वाला है तो उन्होंने क्या किया कि सब पैसेंजर को एक सेक्शन में हर्ट किया और फिर अंधाधुद गोलियाँ चटानी शुरू कर दी और हैंड ग्रेनेड फेंकने फेंकने शुरू कर दिए उसमें भी इतनी सब गोलियाँ चल रही हैं सब कुछ में लाडों ने इमरजेंसी एक दरवाज़ा खोल दिया बाकी पैसेंजर्स और कुछ पैसेंजर्स ने और एयरस और दरवाजे खोले इसने दरवाज़ा खोला चाहती तो खुद छलांग मार के पहले भाग जाती लेकिन किया नहीं उसने उधर खड़ी हो गई और पैसेंजर को बोली भागो गेट आउट रन भागो यहां से इतने में तीन बच्चे थे अनकंपनीड उनके पेरेंट्स साथ में थे वो अकेले थे आए हुए थे तो अमेरिकन थे वो तो एक हाइजाकर ने आकर उनको गोली मारने लगी तो जब वो गोली मारने लगा बच्चों के ऊपर तो लाडो ने उनको कवर कर लिया अपनी बॉडी के साथ उस पर उसको गोलियां लगी और वो मर गई इसमें लाडो ने तीन मैसेज हमारे सबके लिए छोड़े हैं एक डू योर ड्यूटी आउट में जो मर्जी हो जाए काम अपना पूरा करो दूसरा नेवर टॉलरेट इनजस्टिस आपको कहीं इनजस्टिस लगे उसको टॉलरेट नहीं करने का तीसरा डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन सेल्फ रिस्पेक्ट अपने सेल्फ रिस्पेक्ट कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना जब जब ये हाईजैक शुरू हुआ ना सुबह जब हमको पता चला हाईजैक हुआ तो मेरी माँ ने बोला ये वापस नहीं आएगी क्यों बोला उसने जब ये एंटी हेजक ट्रेनिंग लेके वापस आई तो माँ और बेटी आपस बड़ा लगाव था उनका आपस में बात कर रहे थे तो लाडो ने मम्मी को बोला अगर ऐसा कोई आ जाए तो मुझे ये 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 स्टेप्स लेने हैं तो मम्मी ने बोला यार तू इत, इतनी डिफिकल्ट जॉब क्यों कर रही है तो बड़ी डेंजरस है तो इसको छोड़ दे और मेरी माँ ने उसको बोला कि ऐसी कोई चीज़ हो तू भाग जाना वहाँ से सबसे पहले तू भाग जाना उधर से तो मेरी लाडो ने मेरी माँ को बोला कि क्या बात कर रही होगा तुम्हारी जैसी माओ हो हुँ, माएँ होंगी तो देश तरक्की कैसे करेगा मर जाऊंगी भागूंगी नहीं और मेरी माँ तो भी बोली ये तो बोली थी ये तो बर, मर जाएगी तो ये तो भागेगी नहीं बात ये तो हजार के अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी और ये देखना जी जिंदा नहीं आएगी और वही हुआ लाडो बड़ी प्रिंसिपल की लड़की थी बहुत ही प्रिंसिपल्स की हम दो भाई हैं और एक, एक सबसे छोटी ये थी मेरा एक बड़ा भाई और और घर में सिर्फ इसकी चलती थी बड़ी दिलेर थी ये तो प्रिंसिपल की बड़ी पक्की थी तो हुआ क्या है मेरा भाई काम करता था जब पहले हम चंडीगढ़ में थे चंडीगढ़ से हम बॉम्बे शिफ्ट कर गए मेरे फादर एक पेपर में काम करते थे न्यूज़पेपर में तो उनके ट्रांसफ़र हो गए तो हम भी उधर ही चले गए थे तो उस टाइम पे मेरा भाई काम करता था एक फ़ाउंटेन करके जगह बॉम्बे में वहाँ काम करता था और लाडो सेंट जेवियर्स कॉलेज में थी जो 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 फाउंटेन डेब्ल्यू पास था तो कई बार ये क्या होता था कि मेरा भाई स्कूटर पर जाता था तो लाडो उसे लिफ्ट ले लेती थी तो ये बैठे गप्पे मारते पहुंच जाते थे एक घंटे का रन था बैंड्रा टू फाउंटन तो एक दिन जा रहे थे तो एक जगह माहिम वो क्रॉस कर रहे थे तो लाडो ने देखा एक बंदा एक औरत को थप्पड़ मार रहा पीट रहा उसको तो लाडो बोला मुन्ने मुन्ना उसका पेट नाम था मुन्ने मुन्ने गाड़ी रोक तो रोक ली उसने उतर के भागी गई उसका बंदे बंदेग जाके हाथ पकड़ लिया उसने लेकिन उसके अगेंस्ट पड़ गया क्योंकि जो औरत थी जिसको जो जो बंदे जो जिसको पीट रहा था औरत बोलती है तू कौन है बीच में बोल रही है मेरा मर्द है जो मर्जी करा मेरे से मेरा हस्बैंड है तो उधर क्राउड करा कटा शुरू होना हो गया तो मुन्ने ने स्कूटर को स्टैंड पे लगाया भाग्य इसको पकड़ा इसको खींचने की कोशिश की चल 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 जा रही थी पकड़ के जबरदस्ती लेके गया चल पड़े वहाँ से पूरा एक घंटा बिल्कुल चुप कोई बात नहीं हुई शाम के टाइम पर घर में बैठे तो मुन्ने ने अखिल आ, अखिल ने लाडो को बोला लाडो तो सुबह ये क्या किया लाडो ने क्या किया कहते तू बीच में क्यों पड़ी वो कहती नहीं वो उसको मारा था कैसे मार सकता उसको कहता पर देख तेरे उल्टा पड़ गया हो तो वो तो तेरे को पीटने वाले थे लोग उधर तो लाडो क्या लाडो तो सर उन्नीस साल की थी छोटी सी लड़की मुन्ने को बोलती है देख मुन्ने वो उसको नहीं मार सकता मेरे प्रिंसिपल के अगेंस्ट है वो नहीं मार सकता इट इज़ अगेंस्ट माई प्रिंसिपल्स तो मुन्ने ने बोला तो ऐसे प्रिंसिपल रखेगी तो ज़िंदगी में सफल कैसे होगी यार तेरी तो मुश्किल होगा जीना तो लाडो ने मुन्ने को बोला देख मुन्ने ये ज़िंदगी चाहे एक दिन की हो दस दिन की हो और उसने ऐसे चुटकी मारी चाहे ये तीस दिन की हो या दस साल की हो या बीस साल की हो ये ऐसे निकल जानी है जो चीज़ ऐसे निकल जानी है उसके लिए मैं अपने प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज़ करूँ और देख लो बात वही होगी आज इकतीस साल हो गए उसको गए ऐसे निकल गए हमको पता नहीं चला चुटकी में निकल गए सारे प्रिंसिपल की पक्की हम आ, उसकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी रही सिर्फ एक उसको दो महीने वो शादी करके गई थी वो महीने दो महीने बड़े ख़राब थे उसके लिए हमारी फैमिली एक एंटी डोरी एंटी फैमिली है ना दहेज लेना ना दहेज देना तो जब भी उसकी शादी होनी थी अरेंज मैरिज थी तो उसको बोला गया जो अदर साइड उसको बोला गया कि हम दही नहीं देते तो बोला ठीक है जी हमको दही नहीं चाहिए लेकिन वो बंदा इंजीनियर था ऑलरिंग में काम करता था शारजा में काम करता था जब ये शादी के बाद शारजा गई तो उसने उसकी बुरी हालत कर दी पैसे लाओ पैसे लाओ उसका खाना बंद कर दिया वो दो महीने में सात किलो उसने वेट लूज़ किया लेकिन थी वो बड़ी दिलेर उसने एक बहाना मार के कि मेरा एक काम पेंडिंग है बॉम्बे में वो बॉम्बे वापस आ गई तो आदमी ऐसा गंदा था वो उसको जब ही घर भेजा था जब घर आई तो उसने पूरा एक बिल सब भेजा साथ में कि घर से एयरपोर्ट का किराया इतना उधर एक कॉफ़ी पी उसका पैसा इतना एक फ़ोन कॉल किया उसके पैसा इतना टिकट तो मेरे फादर ने भेजी थी सो तो टिकट का पैसा बेचारा ले नहीं सकता था एनी anyway, वो आई और हम सबको बोली मैं वापस नहीं जाऊँगी बोला तो नहीं जा मत जाओ यार तो उसमें एक मैसेज है पहले भी नौकरी उसने ये थी कि बंदे के कारण ज्वाइन की थी क्योंकि इसने उसको बोला था तू है क्या तू तो ग्रेजुएट है मैं तो डबल डबल पता इंजीनियरिंग कर रखी है तू क्या कर सकती है जिंदगी में तुझने बोला था मैं दिखाऊंगी मैं क्या कर सकती हूँ ज़िंदगी में मैं ना उसमें इसलिए ज्वाइन किया था एनी anyway, वे पर इसमें मैसेज क्या है स्पेशली वो द पेरेंट सेटिंग आउट है कि आपकी अगर डॉटर तक तकलीफ में आ जाए कभी भी जिंदगी में आपने उससे अलग नहीं होना आपने नहीं बोला आप तो तेरी शादी होगी तू जाने वो आपकी मोस्ट प्राइज पोजिशन है आपकी मेजर एसेट है आपने उसकी साथ कभी नहीं छोड़ना याद रखना ही कभी सो so, लाडो ने मैसेज क्या छोड़ा हमारे लिए एक तो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन सेल्फ रिस्पेक्ट डू योर ड्यूटी कम वॉट मे एंड नेवर टॉलरेट एनी इनजस्टिस और पेरेंट्स के लिए मैसेज आपकी टॉटर आपकी बड़ी प्राइज पोजिशन है टॉटर का साथ कभी नहीं छोड़ना थैंक यू वेरी मच अगर आपको मेरी टॉक अभी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए शेयर करिए और कमेंट करिए और याद रखिए जोश टॉक से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए